नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूँ मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में। जैसा कि दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो काम लगा हुआ था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं कॉरिडोर का सारा सीन दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। साथ में चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है तो उसका भी आप सभी को अपडेट देने का मैं प्रयास करूँगा। पा रहा हूँ काफ़ी कुछ बदल गया है। जब इसके पहले आया था तो यहाँ पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो देखिए बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ का जो अंदर का व्यू मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं जो मुख्य द्वार बनाया गया है, उस मुख्य द्वार का सीन आप सभी दिखा रहा हूँ। ये मुख्य द्वार नंबर 1 है। इसके बाद आपको दिखाना चाहेंगे चारों तरफ का सीन कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। गोदिया में कोई है बाला का बाता और रख दे मे तो। दोस्तों फाइनली माँ विंध्यवासिनी का दर्शन मैंने किया, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। वाकई में मंदिर में आप आएंगे तो आपको एक अलग एनर्जी फील होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिलहाल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा, मंदिर के अंदर जैसे गया। और आज के दिन देखा जाए तो बहुत ही आराम से दर्शन मिला है, क्योंकि जब आप नवरात्र में आते हैं या भीड़ भाड़ रहता है तो लोगों को जल्दीबाजी में बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन मैं आराम से दर्शन किया हूँ। वो जो पिलर देख रहे हैं किस तरह देख रहे हैं, क्लीन दिखाई दे रहा है, एकदम चमकता महकता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम मंदिर दिखाएंगे, बिल्कुल मंदिर देखिए पास में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से दिखाइएगा, जरा दिखाइए बाहर का व्यू। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे मंदिर का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हम लोग देख पा रहे हैं। नीचे की साइड दिखाइएगा जरा, इस समय शाम का नज़ारा है तो हालांकि भीड़ तो कम है, लेकिन दोस्तों आप वाकई बताना चाहेंगे यहाँ पर आएंगे इस समय तो आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का भी सीन दिखाने का प्रयास करते हैं, चलते हुए हम आपको दिखाएंगे। वाकई में दोस्तों इस साल का जो चैत्र नवरात्र है आप सभी को एक अलग लेवल का नज़ारा देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से देखा जाए हम फर्स्ट फ्लोर पे चारों तरफ परिक्रमा एक तरह से कर सकते हैं, नीचे भी आप कर सकते हैं। जब आप सभी गंगा माँ के साइड जाएंगे दर्शन करने या स्नान करने के लिए तो कुछ इस तरह से देख रहे हैं द्वार बनाया गया है। तो मुझे लगा आप सभी को गंगा माँ का दर्शन कराना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। और आज के दिन देखा जाए कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो गेट बनाया गया है देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैंने माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कराया। चलते चलते आप सभी जानकारी बताना चाहूँगा, इस वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, सारा दिन लग गया है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप सब एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।